हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 25th of May। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफी एंड चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे ऑस्ट्रेलिया के भूगोल के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सेकेंड, द ऑस्ट्रेलियन आल्प्स इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया। थर्ड, लेक आयरे इज़ द डीपेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी गए थे, जहाँ पे उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस किया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया काफ़ी न्यूज़ में है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस लाइज इन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, एज ही along with his Australian counterpart Anthony Albanese addressed the Indian diaspora at mega event in Sydney। ऑस्ट्रेलिया की डीपेस्ट लेक की बात करें तो लेक सेंट क्लेयर ऑस्ट्रेलिया की डीपेस्ट लेक है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया मिनरल रिच कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कोल, आयरन और गोल्ड या नेचुरल गैस। And it is a home to unique ecosystem such as Great Barrier Reef, the world's largest coral reef system, and a diverse flora and fauna, including kangaroos and koalas. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institution organizes the Operation ध्वस्त? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन करती है? आपके ऑप्शंस हैं कोस्ट गार्ड्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडियन नेवी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑपरेशन ध्वस्त को आयोजित किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ऑपरेशन ध्वस्त को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी खतरा उत्पन्न करने वाले आतंकवादी समूह हैं, गैंगस्टर्स हैं या जो ड्रग तस्कर हैं, उनको समाप्त करना। NIA की बात करें तो NIA का गठन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत किया गया है। So as a part of Operation Dhwast, a massive day-long operation was conducted by NIA, and this operation was conducted in 8 states in terrorist, gangster, drug smuggler, nexus cases along with Haryana police and Punjab police. ये operation आयोजित किया गया है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द राइटर ऑफ द नोवेल टाइटल्ड टाइम शेल्टर विच हैज़ वन द 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। आपसे पूछा जा रहा है, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है जिन्होंने 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है जॉर्जी गोस्पोनिदीव, एस एना, फ्रैंक ब्याने या फिर आर हार्वे। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। टाइम शेल्टर लिखी गई है गॉर्गी गोस्पोदी नेव की द्वारा। ये एक बुल्गेरियन राइटर है एंड एंजेला रोडर जो कि ट्रांसलेटर हैं इस बुक की, बैग्ड द 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर देयर बुक टाइटल्ड टाइम शेल्टर। एंड दिस प्राइज हैज़ रिकॉग्नाइज्ड फिक्शन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड इन द ईयर लीडिंग अप टू द अवार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
What is the theme of Commonwealth Day 2023, which India observes annually on 24th May? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रमंडल दिवस 2023 का थीम क्या है जिसे भारत 14 मई को प्रतिवर्ष मनाता है. आपके ऑप्शंस हैं अ कनेक्टेड कॉमनवेल्थ, न्यू जनरेशन, फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर या फिर टूवर्ड्स अ कॉमन फ्यूचर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इस वर्ष कॉमनवेल्थ डे का थीम है फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर. कॉमनवेल्थ डे की बात करें तो इसको अंपायर डे भी कहते हैं एंड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 13th March अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑन द अदर हैंड इंडिया अलॉन्ग विद सम अदर कंट्री ऑब्जर्व इट ऑन May 24. और भारत के द्वारा जो ये मनाया जाता है उसके तहत इसकी थीम है फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर. इसको सेलिब्रेट करने का जो एम है वो है टू यूनाइट 2.5 बिलियन कॉमनवेल्थ सिटीजन्स इन सेलिब्रेशन ऑफ देयर शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड अ कॉमन फ्यूचर सेंटर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड पीस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वेयर इज नेशनल वर्कशॉप ऑन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बीन ऑर्गेनाइज्ड. आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की जा रही है. आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली या हैदराबाद. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये नेशनल वर्कशॉप आयोजित किया गया है नई दिल्ली में. सो नेशनल वर्कशॉप ऑन नेशनल ई एप्लीकेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली बाय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री फॉर 2 days फ्रॉम 24th May 2023. और इस वर्कशॉप का फोकस है ऑन इनकरेजिंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज लेजिस्लेचर्स टू मूव टूवर्ड्स द नेवा प्लेटफॉर्म. नेवा की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट एम्स टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू डिजिटल हाउस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड अ 3-day इंटरनेशनल लेबर कॉन्क्लेव ऑन May 24. आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्होंने 24 मई को 3-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन किया है. आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना लेबर मिनिस्टर, केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंडियाज हेड संतोषी शशाकी. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इंटरनेशनल लेबर कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने. सो अ 3-day इंटरनेशनल लेबर कॉन्क्लेव हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनाराई विजयन एंड द कॉन्क्लेव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेबर डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद द स्टेट प्लानिंग बोर्ड. एंड इन दिस कॉन्क्लेव About 150 people, including of employers and employees organizations from across the country and abroad, experts from administrative and knowledge sectors, and many more will participate in the 3-day conclave. इसके साथ ही इसमें तेलंगाना के लेबर मिनिस्टर चमकुरा माला रेड्डी, बिहार के लेबर रिसोर्स मिनिस्टर सुरेंद्र राम इन सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.